राजधानी दिल्ली में अब चोरों की खैर नहीं है। हर दिन दिल्ली पुलिस अपना फर्ज बखूबी निभा रही है और अपराध पर नियंत्रण लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ई रिक्शा चालक और यात्रियों को लूटने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद नाम के 2 शख्सों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक जहर खुरानी गैंग से संबंध रखते हैं। ये जेजे कॉलोनी बवाना के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ई रिक्शा हायर करते थे। ई रिक्शा वाले को रास्ते में बिस्किट या चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको बेहोश करके फिर ई रिक्शा लूट के ले जाते थे। इनके अरेस्ट के बाद टोटल 6 केसेस वर्कआउट हुए हैं, जिसमें साउथ रोहिणी, बवाना, रेल इंडस्ट्री एरिया, भारतनगर और कोतवाली के केसेस हैं। इसके अलावा 3 ई रिक्शा इनसे बरामद हुए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन दोनों का नाम अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद है। स्पेशल स्टाफ रोहिणी जिला की पुलिस ने ई रिक्शा चालक और यात्रियों को लूटने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले जहर खुरानी गिरोह का भंडाफोड़ कर सराहनीय काम किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी से इनके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज 6 मुकदमों का पर्दाफाश हो गया है। अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद के पास से एक लूटा हुआ मोबाइल फोन, 3 लूटे गए ई रिक्शा और 2 चोरी किए गए ई रिक्शा की नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। दरअसल सड़क और जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ रोहिणी को सूचना विकसित करने और रोहिणी जिले में इस प्रकार के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम सौंपा गया था। 12 जनवरी को विशेष कार्यालय को इस जहर खुरानी गिरोह के 2 अपराधियों के बारे में सूचना मिली। इसके बाद ACP संचालन रोहिणी जिला की निगरानी में ASI सुशील कुमार, ASI सुरेश कुमार, ASI रूपेश कुमार, ASI स्वराज, HC प्रभुनाथ, सिटी प्रभात और सिटी विकी की टीम गठित की गई और इस गिरोह को पकड़ने की योजना तैयार की गई। इसके बाद इस टीम द्वारा छापेमारी का कार्य शुरू हुआ, जहां इस दौरान इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनकी पहचान बाद में अब्दुल गनी और दिल मोहम्मद के रूप में हुई। ये दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं। बता दें कि इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ और मामले की जाँच कर रही है। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।